जी नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं? मैं कमलेश गुप्ता बोल रहा हूँ उज्जैन से। कमलेश जी क्या करते हैं आप? मैं सर रेलवे में मालगाड़ी लोको पायलट हूँ सर। क्या तो इस वक्त तो आप छुट्टी पर हैं या ड्यूटी पर हैं? नहीं अभी तो मैं हालांकि घर पे हूँ, अभी पर ड्यूटी पे जाता हूँ मैं। देखिए सुधा जी, किस तरह की हमारे साथ कैसे कैसे साथी जुड़ रहे हैं जो इस समय पे अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। इस वक्त पूरी रेलवे में बहुत सारे कर्मचारी छुट्टी पर हैं और बाकी ट्रेन्स बंद हैं, लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं को बनाने में जो सबसे अहम भूमिका निभाई जा रही है सामान की आपूर्ति करना, और वो शायद आपूर्ति हो रही है मालगाड़ियों के माध्यम से। और मैं हमारे जो अभी कुशवा जी जैसे जुड़े हैं, ऐसे हमारे साथी हैं इस लॉकडाउन में संकट की घड़ी में अपनी गाड़ी को लेकर जाते हैं और पूरा बड़ी तादाद में सामान इधर से उधर सप्लाई करते हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता कि ये इस तरह से पर्दे में पीछे रह के चलते। कुशवा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जज्बे को सलाम। आप किस तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं, कोई मन में किस तरह की बात आती है इस तरह से जब सारा जो देश वो घर में है और आप ट्रेन लेकर निकल रहे हैं, तो कहीं कुछ डर या मन परिवार वालों को ऐसा लगता है कि आप जा रहे हैं तो कुछ मन में ऐसा लगता है कि डर लगता है? नहीं सर हमको तो डर नहीं लगता, पर परिवार वालों को लगता है कि संक्रमण के दौर में जहाँ सभी देशवासियों से अपील की जा रही है घर में रहना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, परंतु मैं फर्ज के कारण ड्यूटी पे जाना पड़ रहा है तो परिवार वालों को लगता है, परंतु हमें नहीं लगता क्योंकि हमारे साथ साथ हमारे देश के जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस है, स्वास्थ्य विभाग है, चाहे सफाई कर्मी है, वो लोग भी बिल्कुल अपने फर्ज के लिए जा रहे हैं ताकि लोगों को असुविधा नहीं हो। जी जी, उसी तारतम्य में पूरे देश में राशन की सप्लाई के लिए एक बात रेलवे ही है, बिल्कुल बिल्कुल पूरे देश में राशन की सप्लाई हो रही है। जी, तो जी, इसी को हम फर्ज मानते हुए अपना काम निभाने के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं। जी, जैसे इसके लिए हमें गर्व है सर, मतलब हमारे ऐसे मन में डर नहीं है पर गर्व है कि इस संकट की घड़ी में देश में अपना फर्ज निभाने के लिए हमें आगे आने का मौका मिला था। हमें भी आप पर पूरा गर्व है। और देखिए थोड़ा सा घर वालों को इस तरह से समझाइएगा, वो जो चिंता करते हैं वो वाजिब है। और आप तो जब बिल्कुल इंजन में फर्स्ट पर्सन होते हैं और पूरी मालगाड़ी के पहले, मतलब डिब्बा क्या का इंजन ही है, आप ही उसको गाड़ी को आगे ले रहे हैं, तो प्रकृति का पूरा दृश्य आपके सामने है। लेकिन आप सुधा जी एक चीज देखिए कि हमारे जो मालगाड़ी के ड्राइवर्स हैं, जो इंजन है या जो गार्ड है, पायलट्स हैं, ये तो हमेशा ही अकेले रहते हैं, हमेशा ही क्वारंटाइन रहते हैं, इनके साथ प्रकृति रहती है, प्रकृति रहती है, तब अपने आप को कितना मजबूत बनाकर ये अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं। कुशवा जी कौन सा गाना सुनना चाहेंगे हम आपको? कोई एक प्यारा सा गीत भी सुनाना चाहेंगे जो आप सुनना चाहें? सर ये बॉर्डर फिल्म का संदेश आते हैं। जरूर जरूर हम सुनवाते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात चलते चलते और पूछना चाहूंगी, जब रेलगाड़ी स्टेशनों से पास होती है तो सुने स्टेशन क्या बोलते हैं? रेलवे के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सारी पैसेंजर गाड़ियां बंद है, सिर्फ मालगाड़ी चालू है, तो ऐसी स्थिति तो सर हमने कभी देखी नहीं, ना हमारे पूर्वजों ने कभी देखी। ये पूरा संक्रमण काल है सर, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब रेलवे पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरह बंद हुई है और इस देश में इस तरह लॉकडाउन हुआ। परंतु सर हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें जरूरी भी है, क्योंकि अभी इस संकट की घड़ी में जब पूरा विश्व, जहाँ विश्व के बड़े बड़े देश जहाँ पूरे विकास विकसित देश है वहाँ स्थिति खराब है, तो जो चूंकि हमारा विकासशील देश है, हमारी जनसंख्या ज्यादा है, संसाधन हमारे पास कम है, तो उसके मेरे नजरिए से और पूरे जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि सोशल डिस्टेंस ही है जिससे हम बचे रह सकते हैं बीमारी से। जितना हम घर पे रहेंगे उतना ही हम बीमारी से संक्रमण से बचेंगे, क्योंकि इस दौर में अभी हम आदर्श शक्ति से लड़ रहे हैं, कौन व्यक्ति संक्रमित होगा, कौन सी चीज में इसमें संक्रमण होगा हम नहीं जानते। जी जी जी, तो इससे इसी भी घर पे रह के ही बचा जा सकता है। और ये जिन लोगों को कर्तव्य के लिए जाना पड़ता है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि पूरी तरह अपने को सैनिटाइज करें, हाथ धो के काम करें, और जो भी संक्रमित व्यक्ति है उनसे दूरी बना के रहें। बिल्कुल शाह जी, आखिरी घर में लोग रह रहे हैं उनसे पूरा मेरा निवेदन है सभी से, पूरा एक नागरिक के साथ, कि जिन लोगों को घर पे रहने का मौका मिल रहा है वो पूरा घर पे रहे, बिना काम के, बिना अति आवश्यक काम के घर के बाहर नहीं निकले, क्योंकि ये यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं और अपने परिवार को इस बीमारी से बचा सकते हैं। कुशवा जी एक जो प्रश्न है, मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि जब आप गाड़ी पर होते हैं, विसिल करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, आपके पास एक छोटा सा मोबाइल फोन भी होता है, और उस मोबाइल फोन पर जब आपके घर से आपकी पत्नी का फोन आता है या जब बच्चों का फोन आता है,
क्या कहते हैं उस वक्त वो इस दौर में? एक तो क्या है, मोबाइल फोन तो हमको ऑन ड्यूटी पे के बाद बंद रखना पड़ता है, ड्यूटी से ऑफ ड्यूटी के बीच में मोबाइल फोन बंद रखना पड़ता है, हम मोबाइल चालू नहीं रखते। चलिए चलिए कोई बात नहीं, मन के तारों से हमारा मतलब परिवार संपर्क नहीं रहता। कोई बात नहीं, मन के तारों से जुड़े रहिएगा परिवार के साथ। और संजीव जी मैं बताना चाहूंगी कि जब भी मैंने रेल से यात्रा की, जब एक्सप्रेस ट्रेन तेजी से भागती है और स्टेशनों को छोड़ देती है, वहां रुकती नहीं, बड़ा आनंद आता है। और जब जो छोटे छोटे स्टेशन फ्लैग स्टेशन होते हैं वहां भी सुनी स्टेशन पर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये वो मौका नहीं है कि उस बात को महसूस किया जाए। ये मौका वो है कि कोरोना से जीतना है, इस जंग से जीतना है, और इनसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा है। कुशवा जी आपको हम आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं और इस बात के बाद साथ सुनवा रहे हैं। सुधा जी देखिए ना, इनके पास तो अपने घर से बात करने के लिए कनेक्टिविटी भी नहीं है, एकांत में ही रहना है, फर्ज निभाना है, और आपके इस कर्तव्य को हम सलाम करते हैं। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, सुनिए।